एंड्रॉयड 11 का एक बार फिर से MIUI 12 का लेटेस्ट पोर्ट हमारे Redmi के Note 4 डिवाइस के लिए आ चुका है और इसे फिलहाल मैं वन डे से यूज कर रहा हूँ। तो क्या कुछ यहाँ पे बग देखने को मिलता है, क्या कुछ वर्किंग है, उसकी सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो वीडियो को पूरा आपको लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको पता चल पाए कि इसे यूज करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। और एंड्रॉयड 11 का मतलब है कि वीडियो कॉल का फिक्स होना, क्योंकि एंड्रॉयड 10 पे तो फिक्स हुआ नहीं है, बट एंड्रॉयड 11 पे वीडियो कॉल हमारा अच्छे से काम करता है और कुछ नए फीचर्स भी मिलते हैं इस लेटेस्ट बीटा के अंदर। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिए और नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले माई डिवाइस में आपको लिखा हुआ मिलेगा MIUI Mix 12.5 by MMX Team 21.3.10, जो कि एक लेटेस्ट बीटा अपडेट है। इसके बाद अभी कोई अपडेट आया नहीं है। साथ साथ ऑल एस्पेक्ट्स में आप चेक करोगे तो एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा और यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि 2021.3.1 का है और यहाँ पे जो कर्नल यूज किया गया है 4.9 का ही है, जिसकी वजह से हमें वीडियो कॉल का सपोर्ट मिल जाता है, तो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो MMX टीम है, ये इनका जो पोर्ट रोम आता है या ऑफिशियल रोम आता है, ये सिमिलर होता है हमारे EU के जैसा। मैंने इसके ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो भी दे रखा है, EU, HLS और MMX। आपने नहीं वॉच किया है तो उसे चेकआउट कर लेना। यहाँ पे वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर देखने को मिलते हैं वही सारे फीचर्स जो कि अक्सर हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे इफेक्ट और AOD नज़र आता है, बट ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि यहाँ से इसे रिमूव कर दिया गया है क्योंकि इसकी वजह से बैटरी ड्रेन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा, ऑप्शन है बट डिसेबल किया गया है। साथ साथ डिस्प्ले के अंदर आपको देखने को मिलेगा डार्क मोड, एंटी फ्लिकरिंग वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह जो कि वर्किंग है और फॉन्ट का जो सेटिंग है वेरिएबल फॉन्ट वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। साउंड के प्रोफाइल के अंदर साउंड असिस्टेंट दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो और ये अच्छे से काम करता है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला है। नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। होम स्क्रीन के सेटिंग्स पे आपको वही सारे कॉमन ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई भी इशूज नहीं है। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट भी हमारा काम कर रहा है, जिसमें मुझे कोई भी दिक्कत अभी तक देखने को नहीं मिला है। अगर आप FM यूज करते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारा जो FM है ये भी आपको वर्किंग देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे FM का बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स FM की वजह से इग्नोर कर देते हैं रोम को, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। साथ साथ यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिया गया है इसमें आपको 90 FPS तक का रिकॉर्डर देखने को मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है जो कि यहाँ पे इनेबल किया गया है एंड्रॉयड 11 के साथ। साथ साथ यहाँ पे जो हमारा गैलरी है ये भी लेटेस्ट मिलता है, यहाँ पे अकाउंट क्लाउड का जो नया लुक हमें देखने को मिला था वो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसे टर्न ऑन कर देते हो तो कुछ इस तरीके से आपको स्टोरेज वगैरह दिखाई देगा, जो कि मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगा है। बाकी वही सारे आपको कॉमन फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अगर किसी भी मैं फोटोज़ को एडिट करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से नया गैलरी ऐप और मोर पे टैप करने के बाद एडजस्ट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉयड 11 के EU का लेटेस्ट फीचर्स है जो कि MMX और हेलेक्स में सेम आता है। तो यहाँ पे ये भी काम कर रहा है, यानी जितने भी लेटेस्ट फीचर्स आए थे वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो तो किस तरीके से फोटो को डिटेक्ट करता है, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट भी आप इसे कर सकते हो, साथ साथ इनहेंस भी कर सकते हो। तो ये फीचर्स मुझे काफ़ी कमाल का लगा है और आप अगर मैनुअल क्रॉप करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको मिल जाता है गैलरी के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। साथ ही साथ इधर आते हैं तो पहले से ये रूटेड नहीं मिलेगा, तो आपको इसे रूट करना पड़ेगा और रूट नहीं करते हो तो आपका डिवाइस जो सर्टिफाइड नहीं रहेगा, तो रूट करना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी जाके आप बैंकिंग के ऐप वगैरह यूज कर पाओगे फिक्स करने के बाद। बाय डिफ़ॉल्ट आपको फिक्स नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो भाई अच्छा खासा स्कोर देखने को आपको मिलेगा जो कि काफ़ी कमाल का है, बट स्कोर होने से अच्छा नहीं होता है। अगर यही कस्टमर रूम पे हो तो हमें काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन वहीं पे MIUI पे भाई कस्टम जैसा तो फील नहीं आएगा, बट बेटर आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा बाकी अदर MIUI से। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। साथ साथ यहाँ पे इस तरीके से हम स्लाइड कर सकते हैं और एंड्रॉयड 11 में स्क्रीन शूट का बहुत बड़ा पंगा है, चाहे वो ऑफिशियल रोम हो या पोर्ट रोम हो, वन टाइम में ये काम नहीं करता है, तो आपको टू टाइम ट्राई करना होगा स्क्रीन शूट क्लिक करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये दिक्कत करता है। एक बार वर्किंग रहेगा तो आप जितने बार ट्राई करोगे उतने बार आपका है जो काम करेगा, लेकिन जब भी आप रिबूट करोगे अपने डिवाइस को तो वन टाइम ये कांट सेव लिखा हुआ आएगा, दोबारा ये सेव हो जाएगा,
वॉल्यूम पैनल भी आपको लेटेस्ट लुक में देखने को मिलता है। आप देख सकते हो इसका जो ट्रांसपेरेंट है थोड़ा ज़्यादा आ चुका है, क्योंकि पहले ये थोड़ा कम हमें देखने को मिलता था, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे काम किया गया है। इसका जो पावर मेन्यू है इसे भाई मॉडिफाइड कर दिया गया है और लेटेस्ट पावर मेन्यू दिया गया है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है साइलेंट और यहाँ पे रिंग का ऑप्शन। पिच पे आते हैं तो रिबूट के फास्ट बूट और यहाँ पे आपको रिकवरी और यहाँ पे आपको रिबूट का और यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये सब मैंने टेस्ट कर रखा है और रियल में काम भी करता है। तो नया टाइप का आपको बूट एनिमेशन यहाँ पे देखने को तो नहीं, लेकिन बूट मेनू मिल जाता है। और चैनलों के हिसाब से क्या चेंज है तो वो आपको देखने को मिलेगा साउंड एंड प्रोफाइल के अंदर, सॉरी यहाँ पे नहीं, आपको वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर। यहाँ पे आने के बाद अगर आप दे हो अपने नोटिफिकेशन के ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे मिक्स पे, तो दो नए ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं। फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे चाइना का साउथ वेस्ट और दूसरा आपको आइसलैंड का। तो ये जो नोटिफिकेशन साउंड से नेचर के यहाँ पे फिर से ऐड किया गया है, तो अगर आप इसे पसंद करते हो तो ये आपके काम आने वाला है, नहीं पसंद करते हो तो टाटा बाय बाय, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कुछ नया ऐड किया गया है। बट जितना कुछ है वो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ रहता ही है हर एक रूम में, चाहे वो ऑफिशियल हो या कोर्ट रूम हो। तो यहाँ पे बटन लाइट हमारा काम नहीं करता है, बट इसे फिक्स से रिलेटेड मैंने वीडियो दे रखा है, आप उसे चेकआउट करोगे तो बटन लाइट को फिक्स कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपका है जो वीडियो कॉल ये आपको वर्किंग दिखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो ब्लूटूथ है ये काम कर रहा है अच्छे तरीके से, मुझे कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आया है। साथ साथ स्टैंड बाय में मुझे कुछ खास बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिला है, लेकिन आप इसे यूज करोगे तो बैटरी ड्रेन होता है, जैसा कि बाकी अदर MIUI 12 में देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे बैटरी से रिलेटेड आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा MIUI के ऊपर, चाहे वो एंड्रॉयड 10 हो या फिर 11 हो। और चार्जिंग सेम आपको पहले जैसा ही नज़र आने वाला है, थोड़ा बहुत स्लो टाइप का, तो उसी टाइप से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे म्यूजिक वगैरह प्ले करते हो अपने ब्लूटूथ का यूज करते हुए, तो यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा भाई, ये फिलहाल बग है, तो आपको यहाँ पे ये दिक्कत आने वाला है। और आप देख सकते हो यहाँ पे साउंड असिस्टेंट हमारा है जो काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का बग मिलेगा म्यूजिक लिसन के लिए, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी टाइम पहले एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था एंड्रॉयड 11 का प्रीमियम रूम के रिव्यू में, जिसका यूज करके आप ब्लूटूथ का ऑडियो भी फिक्स कर सकते हो। तो वो सेम मेथड अगर आप यहाँ पे फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे म्यूजिक भी लिसन कर पाओगे ऑडियो का यूज करते हुए। एडिशनल के अंदर आपको देखने को मिलेगा रीजन, जो कि आप चेंज कर सकते हो, तो सारे रीजन आपको अवेलेबल मिलते हैं, तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। इसके अलावा कुछ खास नया फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलता है। रही बात की गेम टर्बो के अंदर में वॉइस चेंजर मिलता है या फिर नहीं, तो चलिए मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। ये मिलेगा, बट भाई गेमिंग एक्सपीरियंस जो कस्टम रूम में आपको देखने को मिलता है वो तो आपको भले ही यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये है, और इसे मैंने टेस्ट किया है ऐसे नॉर्मली, तो भाई ये काम करता है, लेकिन जिस टाइप से आप यूज़ करना चाहते हो वैसे तो आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे GCam वगैरह भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे फेवरेट, हेडलाइन और यहाँ पे मैनेज सर्विस का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप सिम वन में ही जियो का सिम यूज करोगे तो वोल्टी देखने को मिलेगा, सिम टू में कभी कभी वोल्टी आएगा और कभी कभी नहीं आएगा, तो हमेशा आपको सिम वन ही यूज करना है। मैसेजिंग वगैरह भी आपको वर्किंग मिलता है, इसका डिफॉल्ट कैमरा भी वर्किंग है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको मे बी GCam वगैरह यूज करना पड़ेगा और पोर्ट्रेट वगैरह के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में आपको इसका प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, लेकिन आप फोटोज वगैरह क्लिक यहाँ पे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको दिखाई नहीं देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारा डिटेल्स यहाँ पे दे दिया है, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज है जो कर सकते हो। रही बात कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो भाई इससे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे वीडियो दे रखा है। आप देख सकते हो कैमरा भी फ्रीज हो रहा है, तो ये दिक्कत आपको इसके डिफॉल्ट कैमरे में देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने आपको GCam रिकमेंडेड। तो आपको यहाँ पे GCam यूज करना होगा अगर आप फोटोज वगैरह क्लिक करना चाहते हो। तो अभी आप देख सकते हो ये काम कर रहा है, बट समटाइम ये दिक्कत करता है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हो आपको MMX का बूट एनिमेशन देखने को मिलता है। तो आई होप सो गाइस कि मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन हो सकते हो। डाउनलोड लिंक काम ना करे तो इसका मिरर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में हम जरूर बताना, और आप जरूर कमेंट करना इस रूम के बारे में, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूले। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।